हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, जो हमारा एग्जाम आज से शुरू हुआ है, उसकी एक दो शिफ्ट हो गई हैं। तो वो पेपर कैसा आ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चूंकि एसएससी का ये पहले से ही नोटिस है कि एग्जाम के क्वेश्चंस रिवील नहीं करने हैं, इसलिए क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं है, बट आपको मैं आपको ओवरऑल लेवल बताने वाला हूँ कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। जितना कि मुझे बच्चों से बात करके पता लग रहा है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया और आपका उसके लिए रिव्यू क्या था। क्योंकि आपके रिव्यूज जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो आप लोगों के ही रिव्यूज के आधार पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, जो पेपर की बात करें, वो बच्चों का ज्यादातर का कहना ये है कि पेपर ऑलमोस्ट उसी लेवल का था जिस लेवल का सीजीएल और सीएचएसएल हमारे पेपर हाल में हुए हैं। अभी मतलब अगस्त में हमारा सीजीएल का पेपर हुआ, उसके पहले आपका सीएचएसएल का पेपर हुआ। तो जिस तरीके के पेपर हमारे इनके सीजीएल सीएचएसएल के थे, उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर्स आपके एमटीएस का भी बना है। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एमटीएस थोड़ा लोअर लेवल का जॉब है, तो पेपर थोड़ा इजी आना चाहिए, बट पेपर एमटीएस के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। और देखा जाए तो ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए है कि इससे थोड़ा सा कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगी। अदरवाइज कई बार एमटीएस में 100 में से 80 नंबर तक की कट ऑफ चली जाती है, तो वो काफी मतलब पेचीदी चीज हो जाती है, बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाती है। तो अच्छी बात है, इससे कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी। पेपर लेवल की बात करेंगे तो मैथ्स जो है वो आपका एकदम सीजीएल और सीएचएसएल लेवल का ही आया है। दूसरी चीज है रीजनिंग जो है वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आई है, कोई बहुत इजी रीजनिंग नहीं आई है। और जीएस में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल का करंट अफेयर्स भी है, कोई बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और इंग्लिश इजी आ रही है, इंग्लिश जैसा कि सीजीएल सीएचएसएल में भी इजी थी और अभी भी हमारी इजी आ रही है, ठीक है। हमारे 25-25 सवाल हर पेपर में आ रहे हैं और टोटल हमें 90 मिनट्स पेपर को करने के लिए मिलता है। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जब आपको पढ़ाता था, तो पढ़ाता हूँ या पढ़ाई क्लासेस लेता था जब, तो मैं आपको अक्सर सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर कराता था या फिर सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ। और तब बच्चों का मेरे से डिमांड आता है कि सर एसएससी एमटीएस का पेपर आ रहा है, तो एमटीएस के प्रीवियस ईयर लगाइए। मैं आपको एक बात हमेशा से समझाता आता हूं कि बेटा, अगर एग्जाम निकालना है तो कभी भी ये भेदभाव मत करो। भेदभाव ना इंसान में करो ना पेपर में करो, भेदभाव नहीं करना है। क्या करना है, आप अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और तो आप सीजीएल के पेपर भी लगाइए, क्योंकि बेटा सिलेबस सेम है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ लेवल। और वो लेवल को टीसीएस नहीं समझ रही है, टीसीएस इस बात को नहीं समझ रही है कि पेपर के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, बिकॉज पेपर का सिलेबस सेम ही है। तो ये बात अच्छे से समझिए कि हालांकि एमटीएस की योग्यता 10th है, सीएचएसएल की योग्यता 12th है और सीजीएल की योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन तीनों का पेपर सेम बन सकता है और वो बन रहा है। तो ये काफी जरूरी बात है कि आप इस बात को समझें कि पेपर उसी तरीके का आ रहा है जिस तरीके का सीजीएल का आता है, सीएचएसएल का आता है। इसीलिए मैं तब भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले सीजीएल के पेपर लगाकर जाइए, सीएचएसएल के पेपर लगाकर जाइए, तो आपको एमटीएस के पेपर में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स में काफी चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे कि पैरालंपिक से क्वेश्चंस थे, तो अभी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम पैरालंपिक्स को इन डिटेल पढ़ लेंगे, सारी बातें उसमें हो जाएंगी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश इजी है, इंग्लिश में आपके कुछ जो वर्ड्स मुझे सुनाई दिए वो मैं बता सकता हूँ। प्रोकेस्टिनेट का आया था, प्रोकेस्टिनेट प्रीवियस ईयर का वर्ड है। प्रोलिफरेट आया था, ये भी प्रीवियस ईयर का वर्ड है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर याद किया होगा उन्हें अच्छे से मिल जाएगा। वेरी मैंने अभी हाल में ही प्रीवियस ईयर में करवाया था, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आ रही है। तो अगर प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी नहीं याद की है तो वो याद कीजिए, और सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स लगाकर जाइए, तो आपको एग्जाम के पेपर में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पेपर से पहले सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स लगाकर जाएंगे तो आपको आसानी होगी पेपर्स को करने में। साथ ही साथ एवरेज अटेम्प्ट्स जो हैं वो 80 के अराउंड बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट्स ये थोड़े ज्यादा हैं, ये कम हो सकते हैं अभी, चूंकि बहुत ही जैसे वो होता है ना, चुनाव का बहुत ही हालिया रुझान है, तो ये भी बहुत ही हालिया रुझान है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है और 80 अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो 90 मिनट्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यार सीधा सा एक फंडा है,
जो बच्चा सीजीएल का पेपर दे रहा है वो सीएचएसएल का पेपर भी दे रहा है, वही एमटीएस का पेपर भी दे रहा है। तो ये जो लड़का है वो लड़का जब एमटीएस का पेपर करेगा उसके पास 90 मिनट्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अटेम्प्ट ज्यादा करेगा, अटेम्प्ट ज्यादा करेगा तो उसके नंबर भी ज्यादा आएंगे और इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये बात आपको अभी सुनाई दे रही है कि पेपर डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, ये इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि लोग एमटीएस के पेपर को कम लेवल का मान रहे थे, लेकिन कट ऑफ में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर तीनों जगह सेम है। जैसा मैंने बताया मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो तीनों ही पेपर में फॉर्म भरते हैं और तीनों ही जगह अटेम्प्ट करते हैं। तो आप अच्छा अटेम्प्ट ये मानकर चलिए 70-80 के बीच में अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर लाने की। आप स्कोर मत टारगेट करिए कि इतने नंबर लाने या उतने नंबर लाने, बट कोशिश करिए मैक्सिमम स्कोर करने की, ठीक है। तो ये एमटीएस के लिए रिव्यू था। आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा कर जाइए। कौन से प्रीवियस ईयर? जो अभी सीजीएल और सीएचएसएल के हाल में हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।